हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आज हम फिर से आ चुके हैं पार्ट फोर के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी मंथ के पार्ट फोर के साथ। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम इसमें पहले पार्ट थ्री ला चुके हैं, तीन पार्ट इसमें ला चुके हैं। जो भी जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्थ वीक के हैं या थर्ड वीक के हैं, ऐसे नहीं है। जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट है उनके मैं पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ। तो ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वीक इसको आप मत समझना, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसमें मेनली मैंने टारगेट करने का ट्राई किया है ESIC UDC एग्जाम को, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। और ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सारथी ऐप। अभी इन चारों में से जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन चारों में से किसी एक ने सारथी ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है कि वो कौन सी, इसका आंसर क्या है, वो किसने लॉन्च किया है। देखिए, सारथी ऐप क्या है? सारथी ऐप जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को एक एजुकेशन देने के लिए कि इन्वेस्ट किस तरीके से आपको करना है, उस चीज के बारे में देने के लिए नॉलेज, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये जो इन्वेस्टर्स नए नए सिक्योरिटी मार्केट में अभी एंट्री किया है, जिन्होंने सिक्योरिटी मार्केट में नए नए एंट्री किए हैं, उन लोगों को एजुकेशन देने के लिए इसके बारे में इसे लॉन्च किया गया है। तो जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी मार्केट, तो आपको अंदाजा लग चुका होगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा। तो ये लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता होते तो आप क्वेश्चन सुनते ही कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते। तो सेबी ने अभी हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया, उनको एक्यूरेट नॉलेज देने के लिए सिक्योरिटी मार्केट के बारे में, खासकर उन लोगों को जो जिन्होंने अभी हाल ही में एंटर किया है इन सिक्योरिटी मार्केट में, ठीक है। और वो मोबाइल फोन के थ्रू इसमें ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये क्या था? सेबी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोई कोड एंड विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU टू फाइनेंशियली सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। IIM कोईकोड और इन चारों में से किस बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को मतलब जिन्होंने अभी अभी कुछ ही टाइम पहले अपना स्टार्टअप किया है, नया नया कुछ बिजनेस शुरू किया है, उनको फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट करने के लिए ये MOU साइन किया गया है इन दोनों के बीच। एक तो है IIM कोईकोड और दूसरा इनमें से हो जाएगा आपको कौन सा? इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन बैंक। इन दोनों ने किया है। इसमें एक स्कीम भी चलाई गई है, उस स्कीम के तहत जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है उनको 50 करोड़ तक का लोन डिसबर्स किया जा सकता है। तो ये इस इनके बीच MOU है जिसके तहत ये स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस स्कीम का नाम बता देंगे, इंडस्प्रिंग बोर्ड, ठीक है। IND मतलब इंडियन बैंक से ले सकते हैं, तो इंडस्प्रिंग बोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इस स्कीम के तहत 50 करोड़ तक का लोन इनको दिया जा सकता है, ये MOU इनके बीच साइन हुआ। आगे बढ़ते हैं, विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्टार्टअप डे बाय PM नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन को नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर किया था। आपको बताना है कि वो कौन सा दिन है। आजादी का अमृत महोत्सव ये साल हम मना रहे हैं, तो इसी के तहत हम लोग इनोवेशन इकोसिस्टम एक हफ्ते का लंबा प्रोग्राम था, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी के तहत एक दिन था जिसको नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर कर दिया गया। तो वो कौन सा दिन था? 16 जनवरी का, 16th ऑफ जनवरी का वो दिन था जिसे नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया है। इसमें जो स्टार्टअप्स है उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उन लोगों ने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर को दिया 6 थीम्स पर। कौन कौन सी थीम्स थी आपके सामने दिख रही है? ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, नजिंग द DNA, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, बिल्डिंग चैंपियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 6 ग्रुप थे, ये 6 थीम्स थी उन ग्रुप्स की, ठीक है। तो 16th ऑफ जनवरी, इसमें डी ऑप्शन दिख रहा है आपको 15th ऑफ जनवरी, इसको मनाया जाता है हमारा आर्मी डे। आर्मी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15th जनवरी 1949 का दिन था जिस दिन हमारे आर्मी के पहले हमारे हिंदुस्तान के जो थे कमांडर इन चीफ बने थे, उनका नाम था M करियप्पा, ठीक है। M करियप्पा हिंदुस्तान के थे, उससे पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, लेकिन उस समय पे जो आर्मी चीफ थे वो ब्रिटिश हुआ करते थे। 1949 में M करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया गया आर्मी का, ठीक है। तो करियप्पा ग्राउंड भी है दिल्ली में, वहां पे परेड भी की जाती है। 25th ऑफ जनवरी को वोटिंग डे मनाया जाता है, मतदाता दिवस हिंदी में बोलते हैं वोटिंग डे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16th ऑफ जनवरी क्या था? नेशनल स्टार्टअप डे। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव
1,000 करोड़ रुपीज लोन टू विच स्टेट गवर्नमेंट टू हेल्प द पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स गेट इट्स सोशल प्रोटेक्शन सर्विस। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 1,000 करोड़ का लोन अप्रूव किया है एक स्टेट गवर्नमेंट को हमारे देश की। हमें बताना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट को वो उन्होंने अप्रूव किया है। वो अप्रूव किया क्यों है? क्योंकि टू हेल्प द पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स गेट इट्स सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज। जो ये स्टेट गवर्नमेंट है जिसको दिया है, ये गवर्नमेंट ऐसे एफर्ट्स कर रही है कि वहाँ के उस स्टेट के जितने भी पुअर और वल्नरेबल ग्रुप हैं उनको सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज उस गवर्नमेंट की मिल सके। उन एफर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने वो 1,000 करोड़ का लोन दिया है। अब ये सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज क्या होती है? जैसे मेडिकल सर्विसेज हो गई, ठीक है, ये सोशल प्रोटेक्शन सर्विस में आ जाती है। जो आपके डिफरेंटली एबल्ड या एल्डरली लोग होते हैं इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस या किसी भी तरह की असिस्टेंस दी जाती है, और जिनको भी जो नीडी लोग हैं उनको जो इस तरह की जरूरतें होती हैं सोशल प्रोटेक्शन के लिए, वो सब चीज़ें नीडी लोगों तक पहुंच सकें, वल्नरेबल ग्रुप्स तक, पुअर लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंच सकें, इसके लिए ये गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है। उन एफर्ट्स को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1,000 करोड़ का लोन दिया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल, बंगाल गवर्नमेंट का ये है, ठीक है। तो बंगाल गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है, तो उसमें लोन मिला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ का, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो बीच में धांधली होती है ये सब चीजें रोकी जा सके, इन सब चीजों के लिए एफर्ट्स कर रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उसके लिए लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट वट परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इंदिरा ने जीडीपी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट करी है भारत के लिए, हमें ये बताना है। 5.6, 7.6, 8.3 या 6.4। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, जिससे हमारे देश की विकास दर को एक्चुअली मेजर किया जाता है वो चीज़। सबसे पहले जानने वाली चीज़ ये है कि इंदिरा का मतलब क्या है, इंदिरा का मतलब क्या है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ठीक है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इसने प्रोजेक्ट करी है रियल जीडीपी ग्रोथ हमारी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। इनके अनुसार इनका ये बोलना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी इसमें, रियल जीडीपी ग्रोथ ने इतनी बताई, और भी बहुत सारी संस्थाओं ने हमारी अलग अलग जीडीपी ग्रोथ बताई हैं, तो उन सब पे भी नज़र हम लोग मारते रहेंगे। इससे पिछले वीडियो मैंने एक बताई थी आपको, तो यूएन ने प्रोजेक्ट कर दिया, आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में कि यूएन ने कितनी प्रोजेक्ट करी है हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं। एट विच प्लेस वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी फ्लैग वॉज अनवील्ड। दुनिया का सबसे बड़ा खादी फ्लैग कहाँ पे अनवील किया गया? ये ट्राई कलर है एक्चुअली, यानी कि तिरंगा, इसको अनवील किया गया था। ये अनवील तो काफी टाइम पहले कर दिया गया, अभी मैंने इसको क्वेश्चन को क्यों लिया, क्योंकि अभी पिछले ही महीने यानी कि इसी जनवरी के महीने में क्या किया गया, इसको एक जगह पे शोकेस किया गया अगेन। वो जगह कौन सी है? वो है जैसलमेर, जो ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिख रहा है, जैसलमेर, यहाँ पे इसको शो किया गया, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में, तो इसलिए न्यूज में फिर से आ गया। तो मैंने क्वेश्चन आपके सामने ये लिया है कि इसको अनवील कहाँ पे किया गया था पहली बार। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोई झंडा है जो हमारे देश का ट्राई कलर है, इसको अनवील किया गया था ऑप्शन नंबर सी लेह में। आपको पता होगा उस टाइम पे न्यूज में काफी आया था। इसकी लंबाई 225 फीट है और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1,400 यानी कि 1,400 किलोग्राम का ये है, ठीक है, इतना इसका है। मेजरमेंट के बारे में बात करें तो ये है, इसको बनाया किसने है? KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने इसको बनाया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस साल, उसके तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। तो लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जैसलमेर में इसको शोकेस किया गया, जैसलमेर में इसको फिफ्थ टाइम अभी शोकेस किया गया, चार बार पहले कर दिया जा चुका है, फिफ्थ टाइम इसको जैसलमेर में शोकेस किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कहाँ पे शोकेस किया गया, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये अनवील कहाँ किया गया था। तो आपको यह याद रखना है कहाँ किया गया था, लेह में इसको अनवील किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द ओनली इंडियन टू अंडरगो एंड कम्प्लीट द प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम। इतिहास रच दिया इन्होंने प्रेस्टीजियस जो नासा प्रोग्राम है, जो उनका इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम होता है, उसको कंप्लीट करने वाले, उससे अंडरगो होने वाली, उसके गो थ्रू होने वाली पहली बनी है इंडियन, हिस्ट्री रच दी इन्होंने। तो ये कौन है? आरती चंद्र हर्षाली मेहरोत्रा। आप बताएंगे हर्षाली मेहरोत्रा कभी न्यूज़ में आई थी, कौन है ये? जाह्नवी दांगती, ठीक है, ये वो हैं जिन्होंने अभी नासा के प्रेस्टीजियस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। क्या होना है इसमें, मतलब क्या हुआ इसमें? एक्चुअली ये था इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम,
ठीक है, जो नासा लॉन्च करती है ऑपरेशंस अपने, उन्होंने वहां से अपने कैनेडी स्पेस सेंटर एलाबामा से इसको लॉन्च किया था वहां पे। ये IASP यानी कि यही प्रोग्राम, इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, दुनिया भर से 20 यंग लोगों को इसके लिए चूज करता है। उनमें से एक ये थी। द एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम इन्वॉल्व एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? इसमें जीरो ग्रेविटी, मल्टी एक्सेस ट्रेनिंग एंड अंडर वाटर रॉकेट लॉन्च, ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। ये सब ये इन्होंने आप ही यहाँ पे कंप्लीट किया है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम सी वॉज अपॉइंटेड द मिशन डायरेक्टर। इस मिशन के डायरेक्टर इनको बनाया गया था, जिसमें इन्होंने 16 लोगों को जो अलग अलग कंट्रीज से थे उनको लीड किया था। ठीक है, जाने भी डेंगेटी इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जैनवी डेंगेटी। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी टू अनवील 216 फुट स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी एट विच प्लेस इन फेब्रुवरी। अभी हुआ नहीं है, 5 फेब्रुवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी को अनवील करने वाले हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी रामानुजाचार्य इनकी, रामानुज मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रामानुजाचार्य इनकी मूर्ति एक्चुअली है, तो 216 फुट लंबी है। इसको बोला गया स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी इसको अनवील करने वाले हैं 5 फरवरी को। बताना है कहाँ पे करने वाले हैं? तो ये करने वाले हैं हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका आंसर रहेगा, हैदराबाद में इसको अनवील किया जाएगा। 11th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे रामानुजाचार्य, सेंट थे, एक संत एक तरीके से थे। ये 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कम्प्लीटली एंटायरली ये क्या है, डोनेशन के माध्यम से, जो ग्लोबली डेवोटीज हैं उनके डोनेशन के माध्यम से इसको फंड किया जा रहा है। ठीक है, स्टैचू की कुछ खास बातें हैं, जैसे ये पंच लोहा से मिलकर बना है। पंच लोहा में क्या क्या है? 5 मेडल्स। लोहा मतलब, अब यहाँ पे आयरन लोहा मत समझना, पंच लोहा मतलब 5 मेडल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक, इन 5 तत्वों से मिलकर के इसको बनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या होने वाली है? 216 फुट इसकी लंबाई होने वाली है। तो ये सब चीजें इसमें, दो चार ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? हैदराबाद में। लंबाई क्या होगी? 216 फुट रहेगी, पंच लोहा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक, और कब करने वाले हैं? 5 फरवरी को करने वाले। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं कि ये कौन थे? तो सोशल रिफॉर्मर थे 11th सेंचुरी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब अगला क्वेश्चन है, नूसंतरा इज गोइंग टू बी द न्यू कैपिटल ऑफ विच कंट्री है? ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ये 2019 में ही एक्चुअली डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये हमारी राजधानी बनेगी, लेकिन अब एक्चुअली में बनने ही वाली है। इस स्थान की जो ये देश है, इस कंट्री की राजधानी आज तक क्या थी? जकार्ता हुआ करती थी, अभी भी है लेकिन अब चेंज हो जाएगी, जकार्ता थी। लेकिन अब है क्या एक्चुअली जो जकार्ता है, ये डूब रहा है, जिस आई ये एक्चुअली आइलैंड पे है, पूरी की पूरी कंट्री इस तरीके से देखना आप मैप पे, तो पूरी आइलैंड पे ही है। तो ये जो आइलैंड है ये डूब रहा है, ओवरक्राउडेड हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है, और वहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल बढ़ चुका है, जिस वजह से ये डूब रहा है। तो तब से ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी नई कैपिटल को अपना बसा रहे थे। तो अब ये लोग नई कैपिटल बनाने वाले हैं, नू संतारा इसका नाम होगा। तो ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की बोर्नियो आइलैंड पे ये होगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। 2019 में उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया गया, नूसंतरा कहाँ की हो जाएगी? इंडोनेशिया की। जो सारी की सारी कंट्रीज आपको दिख रही है, ये आसियान कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की कंट्रीज हैं, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया। इस आसियान का हेडक्वार्टर ही कहाँ था? इंडोनेशिया की राजधानी या कैपिटल जकार्ता में हुआ करता था। ठीक है, अब इसकी कैपिटल चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फिनिटी ब्रिज हैज बीन ओपन इन, इन्फिनिटी ब्रिज हाल ही में न्यूज में या चर्चा में आ गया। इन्फिनिटी ब्रिज मतलब जो इन्फिनिटी का साइन होता है, इस तरीके का ये ब्रिज है। कहाँ पे किया गया है इसको ओपन? ये किया गया है हमारे ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। दुबई में एक इन्फिनिटी ब्रिज ओपन किया गया है वहां पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने का। तो 13 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है, एक तरीके से हमें बोल सकते हैं। इसमें 24,000 व्हीकल्स 1 घंटे में दोनों डायरेक्शन में आना और जाना कर सकते हैं। ठीक है, 24,000 व्हीकल्स 1 घंटे के अंदर अंदर। तो इन्फिनिटी ब्रिज आप इसकी गूगल में इमेज देखना, इन्फिनिटी इस तरीके से इस आकार में ये बनाया गया है, नया कंस्ट्रक्टेड है, 6 लेन है। ठीक है, ये सब चीजें इसके बारे में है। कहाँ पे है ये? दुबई में। रिसेंटली माया एंजेलो वॉज इन न्यूज, हु इज सी? इसको आप नोट कर लेंगे, माया एंजेलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, क्यों पूछा जाएगा इसको आप देखते हैं, इसको अब हम देखते हैं। यूएस में क्या है? यूएस क्वार्टर चलता है। यूएस क्वार्टर क्या है? एक सिक्का है 25 सेंट का। ठीक है, सिक्का है यूएस क्वार्टर। तो इस पे प्रिंट होने वाली पहली ब्लैक महिला बन चुकी है कौन? माया एंजेलो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली ब्लैक महिला कौन है जो यूएस क्वार्टर पे, जिनको मिंट किया गया, प्रिंट किया गया एक तरीके से, वो कौन है? माया एंजेलो है। ये है कौन एक्चुअली? ये
क्या करती हैं, ये एक तरीके से ये पोएट हैं एक तरीके से, ठीक है, वहां पे पोएट है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पोएट भी हैं, तो इनको उसमें एक्चुअली औरों को भी किया जा रहा है, सबसे पहले इनको किया जा रहा है, तो ये है। और कौन कौन इनको किया जाएगा, सबसे लास्ट पॉइंट पे नाम मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं, विलियम किलर और ये सारे जो है नीना ऑड्रे वारन, ये सारे के सारे इसमें किए जाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले किया जाएगा, किसको किया जाएगा, माया एंजेलो पहली ब्लैक वुमेन होंगी जो यूएस क्वार्टर पे अपियर होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएट और एक्टिविस्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए पोएट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे, छोटा सा इसमें ज्यादा फैक्चुअल ही है, कुछ ऐसा जानने का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर कहीं ना कहीं पे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कुंबलांगी टू बिकम इंडिया फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज इट इज इन विच स्टेट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कुंबलांगी एक भारत में एक गांव है जो कि भारत का पहला नैपकिन फ्री विलेज बनने वाला है, तो ये बताना है कि कौन से स्टेट में है। एक्चुअली एक स्कीम के तहत इसको किया जा रहा है नैपकिन फ्री, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो वुमेन हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो भी वर्किंग एम्प्लॉय हैं, उनकी पर्सनल हाइजीन को इंश्योर किया जा सके और पॉल्यूशन वगैरह को कम किया, रिड्यूस किया जा सके, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए नैपकिन फ्री ये सब कुछ किया जा रहा है। उनको मेंस्ट्रुअल कप्स, 5,000 मेंस्ट्रुअल कप्स वहां पे बांटे जाएंगे ताकि ये सब जो मैंने अभी बोला इन सब चीजों को हासिल या अटेन किया जा सके, ठीक है। तो ये कुंबलांगी कहाँ पे है, ये केरला में है, केरला का एक गांव है, वहां पे इसको फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज ये बनने वाला है या बन गया है, ठीक है। जो मैंने बताया इनिशिएटिव, किस इनिशिएटिव के तहत ये किया जा रहा है, अवल का ही, इसका मतलब होता है फॉर हर, ठीक है। इसमें 5,000 ये पूछा जाता है, ठीक है, इसका नाम पूछा जाता है कि कौन से स्कीम के तहत, कौन से इनिशिएटिव के तहत, तो एवल कई, इसमें 5,000 मेंस्ट्रुअल कप्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। दिस इनिशिएटिव विल हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय सिंथेटिक नैपकिन्स एंड इंश्योर पर्सनल हाइजीन टू वर्किंग वुमेन एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए इस इंटेंशन के साथ इसको किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू UNCTAD रिपोर्ट FDI फ्लोज टू इंडिया हैज फॉलन बाय व्हाट परसेंट इन 2021। UNCTAD के अनुसार 2021 में FDI फ्लो यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारे देश में वो घटी है, तो कितनी घटी है ये आपको बताना है, तो कितनी घटी है, 26% घट गई है, आपको दिख ही गया होगा आंसर, तो 26% घट गई है 2021 के लिए, इतनी घटी है। अब UNCTAD का मतलब यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यह UNCTAD। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि एक व्यक्ति जो मान लो एक देश का है दूसरे देश के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जो दूसरा देश है उसके लिए ये क्या हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो यही होता है आपका FDI जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो FDI फ्लोज हमारे देश के लिए क्या हुए है, घट गए हैं 2021 में, 26% घटे हैं ऐसा बताया गया है UNCTAD के रिपोर्ट के अनुसार। रिसेंटली प्रिस्टिमेंटिस ग्रेटा थनबर्गी आर द न्यूली फाउंड स्पीसीज ऑफ, अभी हाल ही में प्रिस्टिमेंटिस ग्रेटा थनबर्गी ये नई स्पीसीज मिली है, किस चीज की स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर लिजार्ड, रेन फ्रॉग, फिश या ओनियन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पनामा के जंगलों में ये मिले हैं, पनामा के जंगलों में, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी रेन फ्रॉग। एक्चुअली ये स्पीसीज 2012 में ही मिल चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे जो स्पीसीज इसको बताया गया तो ये बोला गया कि ये पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं उसी की हैं, लेकिन अभी हाल ही में मालूम चला है कि नहीं, ये न्यू स्पीसीज है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, और इनका नाम जो एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है स्वीडन की, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जो यंग इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, काफी इनका नाम आया था स्वीडन की, इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, उनके नाम पे रखा गया है प्रिस्टिमेंटिस ग्रेटा थनबर्ग की, ठीक है। तो ये रेन फ्रॉग की स्पीसीज है, इनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिस्टिमेंसिस ग्रेटा थनबर्ग भी ये है, ठीक है। 2012 में डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन अभी ये बोला गया है कि ये पुराने नहीं है, ये नए हैं, यानी कि न्यूली फाउंड स्पीसीज है, ठीक है। तो ये किसकी स्पीसीज है, रेन फ्रॉग की है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेवीज विथ डिस्ट्रॉयर टुक पार्ट इन पैसिफिक एक्सरसाइज विथ रसियाज एडमिरल ट्राइबर्ट्स इन अरेबियन सी, 2 दिन की यात्रा पे आया था रसिया का एडमिरल ट्राइबर्ट्स, सिप उनका वहां से अरेबियन सी में 2 दिन की यात्रा पे आया, तो यहाँ पे पैसेक्स एक्साइज की गई, इंडिया रसिया के बीच नेवल एक्साइज की गई, नेवल एक्साइज है, तो ये पूछ रहे हैं कि इंडिया कौन सा डिस्ट्रॉयर या युद्धपोत इसमें जिसने भाग लिया वो है, INS रणवीर है, नहीं विशाखापत्तनम ने भी नहीं, कोलकाता या कोची, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, INS कोची। INS कोची डिस्ट्रॉयर है जिसने पैसिफिक साइज में विभाग लिया रसिया के एडमिरल ट्राइबर्ट्स शिप के साथ, कहाँ पे हुई है
ये हुई थी आपकी अरेबियन सी में, लिखा हुआ है इसमें पैसिक्स एक्सरसाइज। आईएनएस रणवीर क्यों न्यूज में आया? आईएनएस रणवीर इसलिए न्यूज में आया क्योंकि इसमें अभी एक्सप्लोजन हुआ जिसमें नेवी के तीन जो सेलर थे वो मार्टिर हो गए, शहीद हो गए और कुछ लोगों को इसमें इंजरी हुई। आईएनएस रणवीर राजपूत क्लास का डेस्ट्रॉयर है। राजपूत क्लास के 5 डेस्ट्रॉयर में से 4th डेस्ट्रॉयर है आईएनएस रणवीर, ठीक है। तो इसका जो पेनेंट नंबर था वो D54 था। किसी भी डेस्ट्रॉयर शिप की पहचान उसके पेनेंट नंबर से होती है। D54, डी मतलब डेस्ट्रॉयर होता है, तो D54 इसका पेनेंट नंबर था आईएनएस रणवीर का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस कोची। मैं आईएनएस रणवीर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे आईएनएस रणवीर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसके बारे में आपको बताया कि राजपूत क्लास का डेस्ट्रॉयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी चीजें लिखी हुई हैं, आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड? डायरेक्ट क्वेश्चन। एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन नियुक्त हुए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देव दत्त, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है विक्रम देव दत्त, अभी एमडी सी और चेयरमैन नियुक्त हुए हैं एयर इंडिया लिमिटेड के, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली सुमित भाले वॉज इन न्यूज, हु इज ही? सुमित भाले ये कौन है आपको बताना है। सुमित भाले ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। सुमित भाले न्यूज में क्यों आ गए? क्योंकि सुमित भाले अभी गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल क्यों जीते? यूएई में एक तरीके से एक फंक्शन, एक प्रोग्राम चल रहा था, इसमें जो फोक डांसेस होते हैं उनको, उनका कंपटीशन एक तेज चल रहा था, इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल चल रहा था दुबई में, तो वहां पे इनको उसमें गोल्ड मेडल मिला। सुमित भाले, भाले नाम से आपको लगेगा कि महाराष्ट्र के हैं और हैं भी वहीं के, महाराष्ट्र के रहने वाले, तो लावणी आर्टिस्ट हैं ये, ठीक है। लावणी आर्टिस्ट हैं सुमित भाले, महाराष्ट्र के, जिन्होंने वहां पे गोल्ड मेडल जीता था और ही लेड द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट नहीं, ऑप्शन नंबर बी आर्टिस्ट। और कौन से आर्टिस्ट? लावणी आर्टिस्ट ये हैं, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हु वॉन द जेनेसिस प्राइज? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने जेनेसिस प्राइज जीता। जो COVID-19 वैक्सीन बनाई गई थी उसमें इन्होंने काफी एफर्ट किए, ऐसा बताया गया है। काफी अपने तरफ से एफर्ट्स इन्होंने किए हैं COVID-19 वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो उन सब चीजों को देखते हुए इनको जेनेसिस प्राइज दिया गया। और ये प्राइज दिया गया एल्बर्ट बोर्ला को। एल्बर्ट बोर्ला कौन है? जो फाइजर है वैक्सीन इस कंपनी के मालिक है। कौन? एल्बर्ट बोर्ला, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? $1 मिलियन अवार्ड किया जाता है ईच ईयर टू अ पर्सन फॉर द प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी एंड कमिटमेंट टू जीविस वैल्यूज, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है जेनेसिस प्राइज किसको मिला है? एल्बर्ट बोर्ला को मिला है, जो कि फाइजर जो वैक्सीन है, जो इसकी जो कंपनी है, इसके मालिक एक तरीके से है, चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली पंडित बिरजू महाराज डेड ही वॉज? जरूर आप इससे अवेयर रहे होंगे, पंडित बिरजू महाराज बहुत जाने माने हमारे देश के आर्टिस्ट एक तरीके से। पंडित बिरजू महाराज, कथक सम्राट इनको बोला जाता था, या अभी भी हम कथक सम्राट ही बोलेंगे, देखा होगा आपने। साथ साथ एक क्लासिकल सिंगिंग भी करते थे, लेकिन इनका जो नाम था कथक सम्राट, कथक के लिए ज्यादा ये फेमस थे, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज जी की डेथ हो गई, तो ये कौन थे? कथक मास्टरो, कथक सम्राट हुआ करते थे पंडित बिरजू महाराज। इनके पिताजी भी कथक के सम्राट थे, पद्म विभूषण से भी इनको 1984 में सम्मानित किया जा चुका था, ठीक है। 1984 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका था। बहुत सारे अवार्ड इनको मिले, उसमें पद्म विभूषण एक मेन था, ठीक है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर, भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा, तो ये इनपे एक बुक लिखी है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। किसने लिखी है आपको बताएं? तुहिन ए सिन्हा, अंकित वर्मा, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड अबव, ए एंड बी, ठीक है। तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा इन दोनों ने मिलकर के बुक लिखी है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ट्राइबल कम्युनिटी के ये गॉड माने जाते हैं बिरसा मुंडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन नेम्ड कैप्टन? देखिए इन जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ ज्यादा समझाने ऐसा नहीं है, इसलिए सीधे सीधे आगे बढ़ रहा हूँ। इतनी इतनी से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वही आपको बता रहा हूँ। हु हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ ईयर 2021? आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ ईयर 2021 के लिए के, मतलब
कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है, किसे नामित किया गया है, तो कौन है वो? विराट कोहली, बाबर आजम, डेन एल्गर या तमीम इकबाल। विराट कोहली इंडिया के, इनको नहीं किया गया। डेन एल्गर साउथ अफ्रीका, इनको भी नहीं किया गया। तमीम इकबाल ये बांग्लादेश, इनको भी नहीं किया गया। किया किसको गया? बाबर आजम, ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के कप्तान, आपको पता ही होगा। इनको कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ ईयर 2021 घोषित किया गया। ताजुब की बात, इंडिया का कोई भी इसमें नॉमिनेट भी नहीं हो पाया, और नो इंडियन हैज फीचर्ड इन द ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, देयर वर नो इंडियंस इन द आईसीसी T20 इंडियन मेंस टीम ऑफ द ईयर, बट स्मृति मंदाना जो कि वुमेन टीम से है, फाउंड अ स्पॉट इन द वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये है, इसमें कौन इसका आंसर हो जाएगा? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनाया इसका, सीधे लिखा है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 दिए गए। तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे हैं। कौन कौन से दिए गए? आपको सारे के सारे नाम देख लेने हैं एक बार। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 अवार्ड, रॉबर्ट लेवांडोस्की, नाम पता ही होगा आपको, इनको दिया गया। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 अवार्ड। वुमेन की बात करें तो वुमेन प्लेयर 2021 अवार्ड फीफा, एलेक्सा बोटलिस, इनको दिया गया। फीफा स्पेशल बेस्ट मेंस अवार्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको दिया गया। फीफा स्पेशल बेस्ट मेंस अवार्ड विनर, ये भी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बेस्ट मैन भी है और स्पेशल बेस्ट मैन, दोनों यही है एक्चुअली, ये दोनों दो बार रिपीट हो गया, यही है। ठीक है, बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2021 अवार्ड, एडुआर्डो मेंडी, इनको दिया गया। फीफा पुस्कस अवार्ड फॉर 2021, एरिक लैमेला, इनको दिया गया। फीफा मेंस कोच 2021 अवार्ड, थॉमस टुसेल को दिया गया। लास्ट के दो तीन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग के दो तीन इंपॉर्टेंट है, मेंस प्लेयर, वुमेन्स प्लेयर और बेस्ट मेंस अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये तीन नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं क्या है। तो इतना ही है आज के इसमें, ये था आपका पार्ट फोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, ये कहीं ना कहीं पे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपकी ESICC, UDC या SBS CBO में यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी ये वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन सुनने से पहले अगर आपको आंसर पता होते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका आंसर आप दे सकते हैं, या फिर कोई क्वेरीज होती है तो आप नीचे लिख सकते हैं, अगले वीडियो में उनको सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे फरवरी के फर्स्ट पार्ट में, करंट अफेयर्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। याद रखना कि मैं पार्ट्स में लेके आता हूँ, तो ये वीक के हिसाब से नहीं है, पार्ट्स के हिसाब से है। जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके लिए पेश करने का ट्राई करता हूँ। तो फिर मिलेंगे आपसे फरवरी के मंथ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।